अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को उसकी रो और कॉलम के हिसाब से किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रो। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2। ये मैंने रैंडमली इसके एलिमेंट्स लिखे। इसका जो ऑर्डर है वो एज वी कैन सी 3 बाय 3 है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसके डिटर्मिनेंट को हमने जब फाइंड करना है किस तरीके से होगा, ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3 एंड 2। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि को फैक्टर किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो को फैक्टर के जो साइन है वो है, पहले का प्लस होता है, देन माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। इनको हम को फैक्टर साइंस बोलते हैं। अब को फैक्टर साइंस कैसे आते हैं, हम को फैक्टर जो है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो को फैक्टर है वो, उस पर एक बार पूरे डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने को फैक्टर वाला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जाके पहले को फैक्टर वाले लेक्चर की वीडियो देखें, ताकि आपके लिए ये एक्सपेंशन वाला जो मेथड है वो इजी रहे। अब ये किस तरीके से को फैक्टर वाले साइन आते हैं, रिकॉल करते हैं, हमने वहां पढ़ा था किसी भी एलिमेंट के को फैक्टर का साइन जो होता है। लेट्स सपोज ए हमारे पास एलिमेंट है, आइथ और जेथ प्लेस पे है, तो इसका साइन होगा -1 की पावर i+j पोजीशन। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो इसका मतलब -1 की पावर 1+1, ये आ जाएगा -1 की पावर 1+1 = -1 की पावर 2 = 1, मतलब इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये सारे साइंस इसी तरीके से हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय रो। रो के हिसाब से एक्सपेंड करने के लिए लेट्स सपोज मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंशन के लिए रेफरेंस रो रख लेता हूं, तो इसको रो के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हमने साइन देखने हैं को फैक्टर्स के साइन, क्योंकि हम फर्स्ट रो को रेफरेंस रो रख रहे हैं, तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास ये साइंस जो है कोफिशिएंट्स के साथ लगेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 1 का रो में, तो इधर सबसे पहला एलिमेंट है जो उसका साइन आएगा को फैक्टर का प्लस आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले एलिमेंट के साथ साइन आएगा ये, तो इधर मैं लिख दूंगा +1, ये वाला साइन और ये इस पहली रो का पहला एलिमेंट। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट लेते हैं जो सब मैट्रिक्स बच जाता है इस कॉरिस्पॉन्डिंग रो और कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ने के बाद, इग्नोर करने के बाद, ये हमारे पास जो सब मैट्रिक्स रह जाता है उसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। अब सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 1 एंड 3, 2, 2, 1, 3 एंड 2। इसके बाद साइन लगेगा ये जो सेकंड एलिमेंट का साइन है, क्योंकि अब रो के सेकंड एलिमेंट के साथ हमने एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट के लिए, तो ये वाला साइन लगेगा यहाँ पे माइनस, एलिमेंट आएगा हमारे पास सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास सब मैट्रिक्स बनेगा 3, 1, 1 एंड 2 का, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3, 1, 1 एंड 2। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है इसका मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसका, थर्ड एलिमेंट का साइन प्लस है और एलिमेंट है हमारे पास 3, इधर लिख देंगे ये प्लस का साइन एंड 3। डिटर्मिनेंट सब मैट्रिक्स का लेंगे 3, 2, 1, 3 का, 3, 2, 1 एंड 3। अब हमने इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट जो लेते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट में से जो अदर डायगोनल है उसके प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं। अब मेन डायगोनल जो है वो है 2 2s are 4, 4 माइनस फॉर्मूले का 3 1s are 3, -2, 3 2s are 6 माइनस फॉर्मूले का 1 1s are 1, प्लस का 3, 3 3s are 9 माइनस फार्मूले का 2 1s are 2, 1 as it is आ जाएगा, 4 minus 3 1 माइनस का 2, 6 minus 1 5 प्लस का 3, 9 minus 2 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1s are 1
माइनस फाइव टू जार टेन प्लस सेवन थ्री जार 21, 21 और 1 प्लस किया तो 22, माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस। अब आप देख रहे होंगे कि मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, 21 में 1 प्लस किए 22, साइन प्लस का माइनस का 10 इधर आ गया, 22 में से 10 माइनस किए, द आंसर इज 12। जब हम रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो ए के डिटर्मिनेंट का जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसका आ रहा है 12। ये है जी एक्सपेंशन ऑफ ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रो। अब हम देखते हैं जी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय कॉलम। कॉलम के लिए हम किसी भी तीनों कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को एज ए रेफरेंस रख लेते हैं। मैं यहां पे थर्ड कॉलम को एज ए रेफरेंस अगर लूं तो हमने थर्ड कॉलम के हिसाब से हमने इस जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वही मेथड है, वही कोफैक्टर वाले साइन यूज होंगे। अब पहले हम ये फर्स्ट रो को रेफरेंस बनाया था, इसीलिए हम फर्स्ट रो वाले साइन यूज कर रहे थे। अब हम चूंकि कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये थर्ड कॉलम हमने लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम थर्ड कॉलम वाले साइंस को रेफरेंस रखेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हमने रेफरेंस के लिए लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो साइन है प्लस का लगेगा, प्लस 3। अब इस कॉलम को, इस रो को अगर मैं इग्नोर करूं, चूंकि हम फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से पहले कर रहे हैं एक्सपेंड, तो ये मेरे पास बचता है सब मैट्रिक्स 3, 2, 1 एंड 3 का। हम डिटर्मिनेंट लेंगे 3, 2, 1 एंड 3 का। सेकेंड एलिमेंट का साइन है माइनस, इधर लगेगा माइनस, इसके साथ लगेगा 1, और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है किस सब मैट्रिक्स का आएगा, इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करने के बाद 1, 2, 1 एंड 3, 1, 2, 1, 3। थर्ड एलिमेंट का साइन है प्लस, यहां पे थर्ड एलिमेंट है 2, तो प्लस का 2 डिटर्मिनेंट इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करने के बाद एलिमेंट सब मैट्रिक्स में है 1, 2, 3 एंड 2, 1, 2, 3 एंड 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए प्लस का 3 एज इट इज, 3 3s are 9, माइनस 2 1s are 2, माइनस का 1, 3 1s are 3, माइनस 2 1s are 2, प्लस 2 2 1s are 2, माइनस 3 2s are 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 एज इट इज, 9 minus 2 equals 7, माइनस 1, 3 minus 2 equals 1, प्लस का 2 and 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस का 4। मल्टीप्लाई करते हैं जी, 7 3s are 21, माइनस 1 1s are 1 एंड प्लस माइनस माइनस, और 4 2s are 8, 21 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 8 और 1 9, 21 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 12। ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय कॉलम। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि हम किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स जो किसी भी ऑर्डर का हो उसका डिटर्मिनेंट हम कॉलम और रो के हिसाब से किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।